Legends never die. And the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become देव यार लास्ट गया गया हो गया डेड अस्सलाम वालेकुम एंड क्या हाल चाल है। उम्मीद है फिट फॉर्ड हो गया, खैर खैरियत से हो गया। तो जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज की वीडियो में भाई हमारी बड़े मज़े की फाइट होने वाली है स्ट्रीमर्स के साथ। तो खैर आज की वीडियो में आप लोगों को फुल मज़े मज़े के 1v4 भी देखने को मिलेंगे, जो देख के आप लोगों को मज़ा आ जाने वाला है। और बहुत से शहजादे भाई पूछ रहे थे कि भाई आप डेली वीडियो क्यों नहीं पोस्ट करते हो। ठीक है भाई, मैं बताता चलूँ कि भाई मैं एक दिन कंटेंट निकालना होता है और दूसरे दिन और चीज़ों को भी टाइम देना होता है, तो खैर इस वजह से मैं डेली वीडियो तो नहीं पोस्ट कर पाता। अगर आप लोग कहते हो तो भाई मैं रेगुलर हो जाऊंगा। तो खैर अब यहाँ पे पूरा स्क्वाड मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा होता है और आप लोग देख के एक ही बात कहने वाले हो, हाय डीरी मैं तो तेरा फैन हो गया। तो इसी के साथ इन बंदों को भी काबू कर लिया जाता है और ये बंदे भाई बहुत ही ज्यादा अन्य वहां गुजरे होते हैं सिंगल बंदा समझ के, पर इन लोगों को क्या पता। आगे आप लोग खुद ही समझदार हो के कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है तो खैर इस वाली टीम को भी वाइप करने के बाद भाई आते अपने नेक्स्ट क्लच की तरफ। अब यहाँ पे हम रिकॉल हो गए जिस नए में ताज़ा ताज़ा लैंड हुए होते हैं और सामने पूरा का पूरा स्क्वाड होता है। अब मैं अपने टीममेट को कह देता हूँ कि भाई तू पीछे बैठ यहाँ पे, मैं जानू और ये चार बंदे जाने। ठीक है अब यहाँ पे ये चार बंदे ना भाई मेरे इर्द गिर्द का घेरा तंग कर रहे होते हैं और ये लोग मुझे घेर के मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और मेरे टीममेट मेरे से पीछे वाले घर में होता है तो वो भी मुझे कवर करा रहा होता है। तो खैर कोई मसले वाली बात ही नहीं है, तो इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देने का ट्राई करता हूँ पर ये राइट पे चला जाता है और इसी के साथ इसके टीममेट रश करा देते हैं। रिप्लाई कर देना बब्बर चेरो। थैंक यू चौधरी जी। और इसी के साथ इन वाले अरबियों को भी लॉबी की सीधी राह दिखा दी जाती है और अब हम यहाँ से भाई लूट वगैरह करके गाड़ी वगैरह लेके निकल जाते हैं अपार्ट्स की तरफ। और अपार्टमेंट जैसे ही हम पहुंचते हैं तो भाई सामने पूरा का पूरा स्क्वाड बैठा होता है और इस वाले स्क्वाड से भी हमारी बहुत ही ज्यादा मजे की फाइट होने वाली है। पूरी 4v4 की फाइट है और आप लोगों को देख के भी मजा आएगा। अब यहाँ पे मैं एक नेट पिन कर लेता हूँ और सामने फेंकने का ट्राई करता हूँ पर इस वाले नेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर डैमेज तो हुए होंगे। तो मैं मुझे सब्र नहीं होता तो मैं वेब शूटर मार के सीधा घुस जाता हूँ इन बंदों के ऊपर। एक बंदा मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ और दूसरा बंदा मुझे डैमेज कर देता है। पीछे से मेरा टीममेट आ जाता है मुझे कवर कराने और नीचे से मेरी टीम चढ़ाई कर रही होती है इनके ऊपर और इसी के साथ इस वाले बंदे को फिनिश कर देते हैं। और अब ऊपर तीन बंदे रह चुके थे जिन्होंने पूरा निज़ाम लगा लिया था। अब ये दो बंदे लेफ्ट होते हैं और एक बंदा राइट होता है, फुल टाइम निज़ाम लगा के बैठे होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नेट पिन करता हूँ और मुझे 100% श्योर था कि भाई इस नेट से भाई बंदा फटेगा और यहाँ पे मैं एक नेट प्यारा सा दे के मारता हूँ और ये बंदा फट जाता है। और अब रह चुके थे लेफ्ट वाले बंदे, अब लेफ्ट बंदे को नॉक कर देता हूँ और लास्ट बंदा सामने बचा होता है। तो इसी के साथ इन वाले बंदों को भी लॉबी की सीधी राह दिखा दी जाती है और आते अपनी नेक्स्ट फाइट की। यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्वाड होता है और इन्होंने मुझे भगा भगा पागल कर देना है। ठीक है ये मुझे नहीं भगाते, मैं इनको भगाता हूँ सॉरी। ठीक है अब यहाँ पे मैं इनको नॉक करने का ट्राई करता हूँ
पर ये बंदे भी थोड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं, ये भी ठीक ठाक डैमेज दे रहे होते हैं बंदे। और मैं यहाँ से पीछे भाग जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा बचना नामुमकिन था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पीछे आता हूँ, किट वगैरह लगाने के बाद हमने दोबारा रश कर देना इन बंदों के ऊपर। मैं अपने टीममेट्स को भी बोल चुका था कि भाई ये मेरी फाइट है, ठीक है तुम अपनी जगह पे फाइट लो, मैं अपनी जगह पे फाइट लेता हूँ। और यहाँ पे अब मुझे मरना भी नहीं था, इज्जत का सवाल था। ठीक है, अब वही वाली सिचुएशन अगेन बन चुकी थी कि भाई जिथे दिख होते उत्थे आख लो होते। ठीक है, वही वाली सिचुएशन थी, ये बंदे सीढ़ियों से रश कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे एक स्मोक कर दी जाए, पर ये बंदे मुंह पे ही आ जाते हैं। एक ही नीचे कूदा, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे। स्पाइडर चाहिए आ जाओ। और इसी के साथ अपना ये वाला 1v4 कंप्लीट हो जाता है। और अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसे होता है कि भाई स्ट्रीमर्स लोग पेलोड खेल रहे होते हैं, और एक दफा हमने भाई समी भाई लोगों का स्क्वाड वहाँ पे वाइप कर दिया होता है, पर वो रिकॉर्डिंग नहीं होती। अब हम यहाँ पे फुल टाइम प्रोटोकॉल के साथ रश कर देते हैं इनके ऊपर, और आप लोग देख सकते हो कि भाई हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं हम चार लोग, और ये बेचारे नीचे गाड़ी में होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक हद तोप मार दो, पर वो वाले तोप से ये लोग बच जाते हैं, और इन्होंने भी हमारी गाड़ी पे अन्य वहाँ फायरिंग स्टार्ट कर देनी है। और यहाँ पे अब हमारा हेलीकॉप्टर भी फटने वाला होता है, और हम इसी के साथ यहाँ पे निकल जाते हैं। और मैं एक प्यारा सा तोप मारता हूँ जो कि समी भाई के मत्थे पे आगे लगता है, तो समी भाई यहाँ पे भाई डाउन हो जाते हैं। अब मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई हेलीकॉप्टर जल्दी से लैंड करा दे, तो इसी के साथ वो हेलीकॉप्टर मेन बिल्डिंग की छत पे लैंड करवाता है, और लैंड होते ही हमारा हेलीकॉप्टर फट जाता है। और अब पूरी की पूरी आमने सामने वाली फाइट बनी होती है, और इनके पास भी तोप होते हैं, हमारे पास भी तोप होते हैं, और इतनी देर में भाई टेक्ट्रॉन मुझे राइट से डाउन कर देता है। पता नहीं कहाँ छुप के बैठा होता है टेक्ट्रॉन। खैर, यहाँ पे मेरा टीममेट टेक्ट्रॉन को डाउन कर देता है, और अब सामने भाई पूरे तीन बंदे रह चुके थे इनके। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि हम इतनी कोई तोपों की बारिश करते हैं ना इनके ऊपर, और मेरा टीममेट्स राइट से चढ़ाई कर रहे होते हैं। अब मेरा टीममेट समी भाई को डाउन कर देता है। अब दो बंदे इनके नॉक हो चुके थे, और दो बंदे इनके रह चुके थे, और राइट साइड से मेरा टीममेट एक और पुश करा देता है इनके ऊपर। अब एक बंदा मेरा नॉक हो जाता है, और वो साथ मजनू भाई को भी लेके नॉक होता है। अब यहाँ पे उनके तीन बंदे नॉक पड़े होते हैं, और लास्ट बंदा रह चुका होता है। और इसी के साथ यहाँ पे मेरे टीममेट अगेन इनके ऊपर रश कर देते हैं राइट साइड से, और मेरे टीममेट ने जाके पूरा का पूरा 1v4 कंप्लीट कर देना है। वो लोग अब रिवाइव हो गए, उठे होते हैं, मेरा टीममेट जाके राइट से नेट करवा देता है, और नेट जैसे ही करवाता है मेरा टीममेट, तो दो बंदे उनके नॉक हो जाते हैं, और लास्ट बंदा भाई गन से मार दिया जाता है। और इसी के साथ इनकी स्क्वाड वाइप हो जाती है, और अब आप लोग इनका POV भी चेक करो। और यार मैं बताता चलू कि भाई जितनी भी हमारी फाइट्स होती है ना यहाँ पे, तो इन लोगों के साथ तो भाई सारा भाइयों वाला सीन होता है। ठीक है, फुल शुगल मेला होता है, कोई एट वाला सीन नहीं होता। ठीक है, अब ये मैं आप लोगों को बातें इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कुछ बंदे होते हैं जिन्होंने हर चीज़ में कोई ना कोई कीड़ा निकालना होता है, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई कोई एट वाला सीन नहीं होता, अपना भाइयों वाला सीन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।